गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास, वेलकम टू कितेश्वर इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। प्रेप क्लास अपन क्या पढ़ रहे थे हिंदी में, अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का साउंड अपन कैसे पढ़ते हैं, अनुस्वार का प्रयोग अपन कैसे करते हैं। आज अपन करेंगे अनुस्वार के शब्द। क्या करेंगे? अनुस्वार के शब्द। अनुस्वार को अपन क्या बोलते हैं? न। अनुस्वार को अपन क्या बोलते हैं? न। जैसे प प्लस अनुस्वार प्लस ख, क्या सब ये सब अलग अलग है, इनको जोड़कर अपन क्या बनाएंगे? एक शब्द बनाएंगे। तो ये क्या है? प। तो पहले लिखेंगे अपन प, फिर क्या है? अनुस्वार है, तो प पे क्या लगेगा? अनुस्वार। फिर क्या है? ख। तो ये क्या बना? अनुस्वार नहीं होता तो ये क्या बनता? प ख पख। अनुस्वार है क्या बनेगा? पंख। न आता आएगा पंख, क्या बनेगा ये? पंख। प अनुस्वार ख पंख, क्या बना? पंख। फिर सेकंड है र प्लस अनुस्वार र। ये तीनों अलग अलग है, इनको जोड़कर एक शब्द बनाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है? र। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? र प्लस क्या है? अनुस्वार। तो र पे क्या लगाएंगे? अनुस्वार। प्लस क्या है? र। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? र। अब अगर अनुस्वार नहीं होता तो ये क्या होता? र ग रग। अब अनुस्वार है तो अपन अनुस्वार क्या बोलेंगे? न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न। तो रंग क्या होगा? ये रंग आधा न बोलेंगे। ऐसे तो अनुस्वार नहीं होता तो क्या बोलते हैं? रग रग। अनुस्वार है तो अपन क्या बोलेंगे? रंग। क्या बोलेंगे? रंग आधा न बोलेंगे, रंग। ये क्या है? पंख और ये रंग। फिर है त प्लस अनुस्वार प्लस ग। ये तीनों अलग अलग है, इनको जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? त। तो यहाँ क्या लिखेंगे? त प्लस क्या है? अनुस्वार। तो त पे क्या लगाएंगे? अनुस्वार। प्लस क्या है? ग। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? ग। अनुस्वार को क्या बोलेंगे? न। ये क्या है? त। अगर अनुस्वार नहीं होता तो ये क्या होता? त ग तग। क्या होता? त ग तग। अगर अनुस्वार है तो अपन इसको क्या बोलेंगे? तंग। क्या बोलेंगे? तंग। क्योंकि आधा न आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे इसको? तंग। पंख रंग तंग। फिर है ब प्लस अनुस्वार प्लस द प्लस र। अब इनको जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? ब। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब प्लस क्या है? अनुस्वार। तो ब पे क्या लगाएंगे? अनुस्वार। फिर क्या है? प्लस द। यहाँ क्या लिखेंगे? द। प्लस में कोई मात्रा नहीं, फिर क्या है? र। तो यहाँ क्या लिखेंगे? र। अब अगर अनुस्वार नहीं होता तो अपन कैसे पढ़ते हैं इसको? ब द र बदर। कैसे पढ़ते हैं? ब द र बदर। अनुस्वार है तो अपन क्या पढ़ेंगे? न बोलेंगे ब के बाद में। बंदर। क्या लिखा हुआ है? बंदर। न आया बीच में, बोल के लिखा बंदर। न आया बीच में तो ये क्या हुआ? बंदर। अगर अनुस्वार नहीं होता तो क्या होता है? ब द र बदर। अनुस्वार है तो क्या बनेगा? ये बंदर। पंख रंग तंग बंदर। च प्लस अनुस्वार प्लस द प्लस न। इनको जोड़कर एक शब्द बनाते। पहले क्या लिखा हुआ है? च। तो क्या लिखेंगे अपन? च प्लस क्या है? अनुस्वार है। तो च पे अपन क्या लगाएंगे? अनुस्वार। फिर प्लस में क्या है? द। क्या लिखेंगे यहाँ पे? द। फिर क्या है प्लस में? न। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? न। अगर अनुस्वार नहीं होता तो अपन क्या पढ़ते हैं? च द न चंदन। अनुस्वार है तो अपन न बोलेंगे बीच में, च के बाद में क्या बोलेंगे? न चंदन। क्या लिखा हुआ है? ये चंदन। जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उसके बाद में अपन को क्या बोलना है? न बोलना है। देखो प के ऊपर अनुस्वार है, प के बाद में अपन क्या बोलेंगे? न पंख। फिर र के ऊपर अनुस्वार है तो र के बाद में क्या बोलेंगे? न रंग। फिर त के ऊपर अनुस्वार है तो त के बाद में क्या बोलेंगे? न बोलेंगे तंग।
फिर ब के ऊपर अनुस्वार है तो ब के बाद में क्या बोलेंगे, न बोलेंगे बंदर। फिर च के ऊपर अनुस्वार है तो च के बाद में क्या बोलेंगे, न बोलेंगे चंदन। जिस व्यंजन के ऊपर अनुस्वार है उसके बाद में अपन को क्या बोलना है, न बोलना है। म प्लस अनुस्वार प्लस ग और प्लस ल। अब इनको जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, म, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, म। म के बाद में क्या है, अनुस्वार, तो म के ऊपर क्या लगाएंगे अपन, अनुस्वार। फिर क्या है प्लस में ग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ग। फिर प्लस करके क्या लिखा हुआ है, ल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ल। और म के बाद में अपन क्या बोलना है, न बोलना है, क्योंकि अनुस्वार है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, मंगल। क्या बोलेंगे, मंगल। म के बाद में क्या बोलेंगे, न, मंगल। फिर है ब प्लस अनुस्वार प्लस ध प्लस न। अब एक शब्द बनाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, म, ब को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब। प्लस क्या है, अनुस्वार, तो ब के ऊपर क्या लगाएंगे अपन, अनुस्वार। ब के बाद में क्या बोलना है अपन को, न बोलना है। फिर प्लस क्या है, ध, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ध। फिर प्लस क्या है, न, तो यहाँ क्या लिखेंगे, न। ब के ऊपर अनुसार है तो ब के बाद में अपन क्या बोलेंगे, न बोलेंगे। बंधन क्या बना, ये बंधन। अगर अनुसार नहीं होता तो अपन क्या पढ़ते, ब ध न बधन। अनुसार है, ब के ऊपर अनुसार है तो ब के बाद में क्या बोलेंगे, न बोलेंगे। बंधन क्या है, ये बंधन। फिर है प्लस अनुसार, स के ऊपर क्या लगाएंगे, अनुसार। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस द, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द। ये क्या लिखा हुआ है, प स अनुसार और द, तो अनुसार किसके ऊपर है, स के ऊपर है, तो अपन किसके बाद में ना बोलेंगे, स के बाद में ना बोलना है। पसंद क्या बना, ये पसंद। क्या बना, पसंद। स के ऊपर अनुसार है तो स के बाद में अपन क्या बोलना है, न बोलना है, पसंद। जैसे यहाँ पे प के ऊपर था तो अपन ने प के बाद में बोला पंख, न बोला। यहाँ पे स के ऊपर अनुस्वार है तो स के बाद में न बोलना है, तो ये क्या बनेगा, पसंद। अगर अनुस्वार नहीं होता तो कैसे पढ़ते अपन, पसंद। और अनुस्वार है तो क्या पढ़ेंगे अपन, पसंद। है श प्लस अनुस्वार प्लस क और प्लस र। ये क्या है, श, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, श। प्लस क्या है, अनुस्वार, तो स पे क्या लगाएंगे, अनुस्वार। फिर प्लस क्या है, क, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, क। प्लस क्या है, र, तो यहाँ क्या लिखेंगे, र। अब स के ऊपर अनुस्वार लगा तो स के बाद अपन क्या बोलेंगे, न बोलेंगे। संकर क्या बना, ये संकर। अगर अनुस्वार नहीं होता तो अपन क्या पढ़ते, स क र सकल। अनुस्वार है तो स के बाद में क्या लगाएंगे, न, क्योंकि स के ऊपर अनुस्वार है तो संकर। क्या बनेगा, ये संकर। फिर है स प्लस द प्लस र प्लस अनुस्वार प्लस ग। अब इनको जोड़कर एक शब्द बनाओ। पहले क्या लिखा हुआ है, श, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, श। प्लस क्या है, त, तो यहाँ क्या लिखेंगे, त। प्लस क्या है, र, तो यहाँ क्या लिखेंगे, र। उसके बाद में क्या है, अनुस्वार, तो र के ऊपर क्या लगाएंगे, अनुस्वार। फिर क्या है, प्लस ग, तो कैसे पढ़ेंगे, श त रंग शतरंग। क्या बना, ये शतरंग। अनुस्वार किसके ऊपर है, र के ऊपर है, तो र के बाद में क्या बोलना है, न बोलना है, तो ये क्या बनेगा, शतरंग। समझ में आया आपको अनुस्वार का उपयोग, जिस व्यंजन के ऊपर अनुस्वार है उसके बाद में अपन क्या बोलना है, न बोलना है। तो ये क्या बना, पंख। ये क्या बना, रंग। ये तंग। ये बंदर। ये चंदन। मंगल, बंधन, पसंद, संकर और ये शतरंग।
जैसे यहाँ पे प के ऊपर अनुस्वार है तो मैंने प के बाद में क्या बोला, न बोला, और यहाँ पे स के ऊपर अनुस्वार है तो स के बाद में क्या बोलना है, न बोलना है। ये क्या बना, पंख, ये रंग, ये तंग, ये बंदर, ये चंदन, ये मंगल, बंधन, पसंद, संकर, शतरंग। तो आपको समझ में आया अनुस्वार का प्रयोग। आज का आपको हिंदी में वर्क क्या, आपको हिंदी की नोटबुक में आज की डेट लगानी है, डे लिखना है, और अनुस्वार के ये शब्द आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है। प्लस आपको ये पढ़ के देखना है कि कौन से व्यंजन पे अनुस्वार लगा है, उसके बाद में आपको क्या बोलना है, न बोलना है। तो ये आपके क्या अनुस्वार के शब्द है।